नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर खबर राजस्थान के नागौर जिले से, जहां पर मेडता में टालनपुर में प्लाट को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। लाठी भांटे और जमकर यहां पर ये विवाद देखने को मिल रहा है। फायर किया गया। खबर राजस्थान के नागौर क्षेत्र से, जहाँ पर मामला विवाद तक पहुँच गया और मामला मारपीट के दौरान एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इस दौरान यहाँ पर बच्चा गिरने की जानकारी सामने आ रही है। मामला मेडता के गोटन क्षेत्र का है। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इसका एक वीडियो किसी पड़ोसी ने वायरल कर दिया। पूरा मामला 3 अगस्त का है, लेकिन अब यहां पर वीडियो अब सामने आ रहा है। थानाधिकारी गोटन के राजेश खुर्रा के मुताबिक 3 अगस्त को दो पक्षों में एक प्लाट को लेकर विवाद हुआ था। ये जमकर विवाद सामने आ रहा है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों की ओर से गोटन पुलिस थाने में आपस में विवादित तौर पर मामला दर्ज कराया। इस मामले में 3 अगस्त का टालनपुर निवासी कमला पत्नी पूसाराम राव ने रिपोर्ट देकर 8 से 9 महीने के प्लेट एक को लेकर विवाद हुआ था। उस वक्त कोर्ट के जरिए प्लाट हमारे पक्ष में आ गया था। उसी दिन से लेकर आज तक झगड़ा जारी था। इसी बीच यहां पर फिलहाल पुलिस प्रशासन के मुताबिक यहां पर गांव में तैनाती की गई है। कमला ने बताया कि यहां पर 3 अगस्त की शाम करीब 4 बजे मेरे बेटे की बहू सुमन पत्नी धनाराम लक्ष्मी पत्नी संजय और अन्य घर पर बैठे थे। तभी मोती राम पुत्र जगदीश राम सुभाष विजेश गुमान गणपत सहित अन्य महिला पुरुष मौके पर पहुंचे, जमकर विवाद करने लगे। इसी बीच मामला समझाइश किया, लेकिन आरोपियों ने जमकर विवाद किया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। तो दोस्तों, तमाम खबरों के लिए बन रहे चैनल पर लाइक शेयर कमेंट।